हमने परिचय सम्मेलन के मंच के माध्यम से एक ही दिन में एक ही स्थान पर अपने एक कैंडिडेट के लिए 25-25, 50-50 प्रपोजल देखने को मिले, शॉर्टलिस्ट करने को मिले, और उन शॉर्टलिस्ट किए हुए कैंडिडेट और उनके परिवार से उसी दिन फर्स्ट डे मिलने को मिले, यह बहुत ज्यादा सुविधाजनक बात है। हमने इस माध्यम से, परिचय सम्मेलन के माध्यम से, किसी भी तरीके की पारंपरिक रूढ़ी और रीति रिवाज को तोड़ा नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि जिस दिन परिचय सम्मेलन हो रिश्ता उसी दिन तय हो। हम तो यह चाहते हैं अपने एक कैंडिडेट के लिए 25-50 कैंडिडेट में से शॉर्टलिस्ट करें 2-4-5 कैंडिडेट, और उन 2-4-5 कैंडिडेट से फर्स्ट मीटिंग सम्मेलन स्थल पर कर लें और पाए कि क्या इनमें से इनसे बात आगे बढ़ाई जा सकती है क्या, और जिन परिवारों से बात आगे बढ़ाई जा सकती है ऐसा आपको लगे तो उन परिवारों की संपूर्ण छानबीन, संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने का जिम्मा यह स्वयं आपका है। आपने परिवार के घर जाना चाहिए, मिलना चाहिए और अपने ही तरीके से परिवार की संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और तब रिश्ता तय करना चाहिए। रिश्ता आजीवन टिकना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है, और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से छानबीन करना जरूरी है। परिचय सम्मेलन के मंच से परिचय करना और ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल आप पर लाना केवल मात्र यही उद्देश्य है। आज के समय में हमने काफी सारे बैरियर लगा रखे हैं रिश्ता तय करने के लिए। कभी बैरियर पत्रिका का होता है हॉरोस्कोप, कभी बैरियर शिक्षा का होता है एजुकेशन, मेरा मेडिकल प्रोफेशन का है तो मुझे मेडिकल प्रोफेशन का ही पार्टनर चाहिए, मेरा मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो मैनेजमेंट प्रोफेशन का ही पार्टनर चाहिए, ऐसा हमने अपने सोच को सीमित कर रखा है। यह भी बैरियर है, शहर का बैरियर, कौन से शहर में जाना, यह भी सोच डेवलप होने लगी है। ऐसे कितने सारे बैरियर लगाए जा रहे हैं साथियों, जितने ज्यादा बैरियर लगाएंगे प्रपोजल उतने कम होते जाएंगे। बैरियर कम करने का वक्त है, प्रपोजल्स के क्वांटम को बढ़ाने का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने का वक्त है। जितनी सीमित मात्रा में प्रपोजल आएंगे उतना चयन में कठिनाई होगी। कौन से बैरियर कम करना यह स्वयं परिवार और परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है। मैं एक बात अपने अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से यहां कहना चाहूंगा, अगर हम परिवार के सदस्यों ने छोटे छोटे बैरियर कम नहीं किए तो हमारे बच्चे बड़े बड़े बैरियर तोड़कर बाहर चले जाएंगे। इस बात पर भी हम लक्ष्य करें और विचार करें। परिचय सम्मेलन विवाह तय करने का, विवाह के लिए योग्य जीवन साथी तलाशने का, ढूंढने का यह बेहद सुलभ माध्यम है। एक ही दिन में एक ही स्थान पर मेरे अपने एक कैंडिडेट के लिए 50 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट मिलना, उनके परिवारों का मिलना, यह मुझे प्रपोजल देता है, यह मुझे समय बचाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से वाइबल है, और इसके साथ साथ ऑथेंटिकेट डिटेल मिलती है। व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर किसी कैंडिडेट को ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं, तलाश कर रहा हूं तो बहुत सारी जानकारी मैं पूछ नहीं पाता। उम्र का सर्टिफिकेट मैं मांग नहीं सकता, एजुकेशन का सर्टिफिकेट मैं मांग नहीं सकता, बहुत सारी चीजों में मेडिकल प्रॉब्लम कुछ है क्या मैं डायरेक्ट नहीं पूछ सकता। ये सारी बातें परिचय सम्मेलन के मंच पर ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन के रूप में आप तक पहुंचती है, और इसीलिए विवाह तय करने के लिए परिचय सम्मेलन एक योग्य साधन के रूप में पिछले 2.5 दशक में समाज के सामने आया है। समाज के लोग अत्यधिक मात्रा में
परिचय सम्मेलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक समय था जब परिचय सम्मेलन को द्वितीय स्थान था, सेकेंडरी बिहेवियर होता था, परिचय सम्मेलन में डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते थे, मगर समय बदला है। समय के साथ साथ लोगों की मानसिकता बदली है। अब परिचय सम्मेलन में केवल वो लोग सम्मिलित नहीं हो रहे जिनका अदरवाइज विवाह होना कठिन है। परिचय सम्मेलन ज्यादा ब्रॉड अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म बन गया है और परिचय सम्मेलन में भारतीय जैन संगठन की एक विशेष भूमिका है। परिचय सम्मेलन को हम पब्लिक शो नहीं होने देते। परिचय सम्मेलन जरूरतमंद परिवारों के लिए ही आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है और इसीलिए हम इसे पब्लिक शो होने से बचाते हैं। जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं केवल उन कैंडिडेट के साथ में उनके दो अभिभावक को ही परिचय सम्मेलन में आने की अनुमति मिलती है। दिस इज नॉट ए पब्लिक शो। किसी के भी बेटा बेटी को देखने के लिए कोई भी चला आए, भारतीय जैन संगठन इसको अलाउ नहीं करती। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। परिचय सम्मेलन की जानकारी अगर चाहिए, बेटे और बेटी विवाह योग्य कौन है उनकी जानकारी अगर चाहिए, तो परिचय सम्मेलन में रजिस्टर होना अनिवार्य है। परिचय सम्मेलन की पुस्तिका उन्हीं लोगों को दी जाती है जो परिचय सम्मेलन में फॉर्म भरकर रजिस्टर होते हैं। इनके अलावा अगर पुस्तिका की आवश्यकता बिना रजिस्ट्रेशन की किसी को हो तो उन्हें किसी भी कीमत पर यह पुस्तिका अवेलेबल नहीं होती। आइए समाज के इस यज्ञ में हम सब लोग अपना साथ दें, समाज की इस जरूरत को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम सब जन मिलकर प्रयास करें। भारतीय जैन संगठन के जो नियम तय किए गए हैं परिचय सम्मेलन के, उन नियमों को हम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी अक्षरशः पालन करें, ऐसी अपेक्षा है। हम सब मिलकर नए रिश्ते जोड़ने में मददगार साबित हों, इस उद्देश्य के साथ अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करें। धन्यवाद।